HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में यतीश चंद्र शुक्ल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 90 घंटे भाषण देने का बनाया रिकॉर्ड। लखीमपुर खीरी में तहसील प्रशासन ने किया कंबल वितरण, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने किया सहयोग। अमेठी में चोरों ने हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट और दान पात्र पर हाथ किया साफ, मेडिकल स्टोर से हजारों की नकदी पार। सिद्धार्थनगर में प्राथमिक विद्यालय में केवल 3 से 4 घंटे ही पढ़ाते हैं अध्यापक, बेसिक शिक्षा अधिकारी से ली गई जानकारी। और लखीमपुर खीरी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर लुटेरे अवैध शस्त्र समेत गिरफ्तार, लूट का माल और नकदी बरामद। लखीमपुर खीरी के रहने वाले यतीश चंद्र शुक्ल ने सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 90 घंटे का भाषण देने का रिकॉर्ड नेपाल के केसी अनंता के नाम था। लखीमपुर खीरी के लाल यतीश चंद्र शुक्ल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यतीश ने सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड लखीमपुर खीरी में बनाया, जो कि 90 घंटे भाषण देने का रिकॉर्ड नेपाल के केसी अनंता के नाम था। यतीश ने 106 घंटे 3 मिनट तक लगातार भाषण देकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी लखीमपुर की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे भारत की जनता की तरफ से, कि एक विश्व देश नेपाल में था, वो रिकॉर्ड हमारे भारतवर्ष के नाम पे, यतीश जी के नाम पे आया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही सराहनीय काम और ये यतीश जी ने कर दिखाया, वो भी हमारे लखीमपुर का एक लाल है, हमारे जनपद का लाल है। बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सब पूरे जनपद कार्यकर्ता है। यतीश इससे पहले भी 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इस पर कार्यक्रम आयोजक शिप्रा ने लखीमपुर खीरी की जनता का सहयोग के लिए बहुत आभार व्यक्त किया। विजय शुक्ला, रिंकू, दुर्गेश सोनी, विपिन गुप्ता, निशांत नियामत, अनुराधा बंसल और सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने यतीश का हौसला बढ़ाया। HBN न्यूज से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के शारदा नदी के कटान से पीड़ितों को ठंड के बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर गोला तहसील प्रशासन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखीमपुर खीरी के शारदा नदी के कटान पीड़ित को ठंड के बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर गोला तहसील प्रशासन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम ब्लॉक विजवा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोला विधायक अरविंद गिरी रहे। खंड विकास अधिकारी विजवा, तहसीलदार गोला और विधायक द्वारा गरीब, मजबूर पुरुष और महिलाओं को, जो पात्र लोग थे, उन लोगों को कंबल वितरण किया गया। साथ में गोला विधायक और तहसीलदार के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी कंबल वितरण करने में सहयोग दिया। अमेठी में चोरों ने हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट और दानपात्र और मंदिर के सामने मेडिकल स्टोर में ताला और जंजीर तोड़कर दुकान में रखे 10,000 नगद और हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। अमेठी तहसील तिलोई थाना शिवरतनगंज कस्बे में चोरों ने हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट और दानपात्र और मंदिर के सामने मेडिकल स्टोर में ताला और जंजीर तोड़कर दुकान में रखे 10,000 नगद और हजारों का सामान पार कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि थाने से लगभग 300 मीटर दूरी पर हनुमान मंदिर और मेडिकल स्टोर है, तब भी चोरों ने बड़ी ही सफाई से कामयाबी हासिल की। वहीं जब सुबह मेडिकल स्टोर के मालिक डॉक्टर अशोक अवस्थी घर से बाहर आए तो मंदिर का गेट खुला देखकर वो दंग रह गए। उसके बाद मंदिर के अंदर गए तो देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर रखी चांदों की मुकुट नज़र नहीं आई और साथ में दानपात्र भी नज़र नहीं आया। ये देखकर बाहर निकले तो अपने मेडिकल स्टोर पर उनकी नज़र पड़ी तो देखा कि उनकी दुकान का भी जंजीर टूटा हुआ है। और तब ये नज़ारा देखकर मेडिकल स्टोर स्वामी अशोक अवस्थी दंग रह गए और धीरे धीरे कस्बे के बहुत लोग इकट्ठा हो गए। तब मेडिकल स्टोर स्वामी अशोक अवस्थी और कस्बे के अन्य लोगों ने पुलिस को लिखित सूचना देकर अवगत करवाया और कहा कि जब थाने की 300 मीटर दूरी पर इस तरह के हादसे होंगे तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। वहीं इस मामले में पुलिस की लापरवाही बताते हुए कस्बे के सभी लोग पुलिस से नाराज हैं। थाना अध्यक्ष शिवरतनगंज ने बताया कि मामला संज्ञान में है और मामले को खुलासा करने में पुलिस जुट गई है और एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की छानबीन कर जल्द ही खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।
अमेठी से संवाददाता राजेंद्र भारती की रिपोर्ट HVN न्यूज। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद परिषदीय विद्यालयों की हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। परिषदीय विद्यालय के अध्यापक अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। वही सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय मिठवल खुर्द में विद्यालय न तो समय से खुलते हैं और न ही समय से बंद होते हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद परिषदीय विद्यालय की हालत सुधरने का नाम नहीं लेती नजर आ रही। परिषदीय विद्यालय के अध्यापक अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय मिठवल खुर्द में विद्यालय ना तो समय से खुलते हैं और ना ही समय से बंद होते हैं। 9:27 हो रहा है इस समय विद्यालय। ये लोग डेली का प्रतिदिन का ये नियम है कि ये लोग बंद करके 12:30 एक बजे चले जाते हैं यहाँ से। और कितना बजे आते हैं? आते हैं 10:30-11 ये लोग आते हैं और एक घंटा डेढ़ घंटा पढ़ा कर चले जाते हैं। देखिए जहाँ से भी शिकायतें मिल रही, मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ। आज भी मैंने मिठवाल, खुनिया और दासी तीन ब्लॉकों का मैंने निरीक्षण किया हुआ है और जहाँ पर भी ऐसी शिकायतें मिले मैं विधिवत जांच कर रहा हूँ। जांच करने के बाद संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर वीडियो उसका न्यूज चल भी जाती है लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं होती है, इस पर क्या? देखो ऐसा क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी बात है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाती है, मैं निश्चित रूप से निरीक्षण करता हूँ। और 82 मिठवल के प्राथमिक विद्यालय मिठवल खुर्द में अध्यापक 3-4 घंटे ही पढ़ाने का काम करते हैं। वहीं जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कराकर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिकारी केवल कार्रवाई की बात ही करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। HVN न्यूज से संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HVN न्यूज। आप देख रहे हैं HVN न्यूज, जो सच वही खबर।